दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाई विनोमो। विनोमो एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। कैसे? तो इसमें आपको दो करेंसीज मिलेंगी, आपको सिर्फ प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान लगाना है कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी कौन सी नीचे जाएंगी। आपको ग्राफ को ध्यान में देना है, आपको प्रेडिक्शन लगाना है। चलिए देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर कैसे इसको करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने विनोमो का ऐप खोल लिया है, वेबसाइट है ये, वेबसाइट को मैंने खोला और मैं यहाँ पे अमाउंट में जाता हूँ। अमाउंट में मैं यहाँ पे 700 नहीं, यहाँ पे मैं दोस्तों मैं यहाँ पे 1500 रुपये लगा देता हूँ। ये मैंने 1500 लगाया और मैं 2745 रुपये मिलेंगे अगर मैं जीतता हूँ तो, अगर मैं आगे आ जाता हूँ तो। मैंने ये ग्रीन वाला ऊपर जाएगा ग्राफ और रेड वाला डाउन जाएगा, तो मैंने 1500 में लगा दिया है और ग्राफ देखूँ ऊपर जा रहा है मेरा और ऊपर जा रहा है। और लो दोस्तों मैंने जीत भी गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 1281 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए हैं। तो इसी तरह आपको भी सिर्फ प्रेडिक्शन लगाना है, अनुमान लगाना है कि कौन सी करेंसी ऊपर जाएगी कौन सी नीचे जाएगी। ऊपर के लिए ग्रीन है और नीचे अगर आपको देख आपको लगता है कि नीचे जाएगी ग्राफ तो आप इसमें रेड वाले को क्लिक करके नीचे का ग्राफ आप ले सकते हो। और आपको दोस्तों मेरा रेफर कोड अगर आप यूज़ करते हो तो उसमें और ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। राजीव ट्रेड जो यहाँ पे है उसको यूज़ कर सकते हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में विनोमा का ये मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ से पैसे कमा सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू दोस्तों। आज की जो टॉपिक है मेरी वो टॉपिक कुछ अलग है। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि मैं 18 साल का हूँ तो क्या मुझे स्टार्ट करना चाहिए ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस। कोई मुझसे पूछा था मैं 26 ईयर का हूँ तो मुझे क्या स्टार्ट करना चाहिए, और एक अंकल जी तो 33 ईयर के थे तो उनको भी पूछना है कि मैं क्या स्टार्ट कर सकता हूँ, मैं क्या काम को कर सकता हूँ, क्या मुझे सक्सेस मिल सकती है, ट्रांसपोर्ट का लाइन में उतरना ठीक है या नहीं है। तो मेरे को बहुत सारे मेल्स आए थे, इंस्टाग्राम में मैसेज भी आए थे, तो मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो बनाता हूँ क्योंकि ये डिमांडेबल वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया है कि मुझे किस एज में स्टार्ट करना चाहिए ट्रांसपोर्ट की, अगर मेरी एज कम है तो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टेप लेता हूँ, यानी कि एक 17 साल से लेकर आप 22 साल तक, ठीक है, 22 या 23 समझ लो। अब अगर इस उम्र में हो और मेरी वीडियो को देख रहे हो आप, तो एब्सोल्युटली आपको, अगर आप स्टूडेंट होंगे या कुछ काम भी कर रहे होंगे, आप कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो आपकी दिमाग में माइंड में चल रही हो कि मुझे भी आगे चल के बिज़नेस करना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, तो मुझे कौन से बिज़नेस करनी चाहिए। तो आपने अचानक से मेरे वीडियोज़ को देखा होगा कि मैंने दिखाया था कि 3000 में इन्वेस्ट करिए और 2.5 लाख तक कमाइए, ठीक है। तो आपको लगा कि ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट, शायद इन्वेस्टमेंट भी ना हो और एक अच्छा बिज़नेस है। तो आप अगर उस उम्र में देख रहे हो या जो 17 साल से 21 साल में अगर मेरे वीडियो को देख रहे हो तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू कि आप इस लाइन में उतर जाओ। तो आप बिज़नेस के बारे में खोज रहे हो, फिर आप ये भी खोज रहे हो कि यार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, कहीं पैसा डूब जाएगा या नहीं डूबेगा, तो ये सब भी थॉट्स है आपके पास। तो बिना इन्वेस्टमेंट का ये बिज़नेस में अगर आप करना चाहते हो तो आप उतर सकते हो। अगर आप 18 साल की उम्र के हो, 20 साल के हो, 22 साल के हो, 21 साल के हो, तो आप ज़रूर आओ ज़रूर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और आगे चलकर अगर आपको करने का मन भी नहीं होगा ना तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 33 साल के हो, 30 साल के हो, किए तो किए, नहीं किए तो डूब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास टाइम है, लॉट ऑफ टाइम यू हैव, कि आप 20 साल के हो, 18 साल के हो, आप जाओ, आप किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम भी कर सकते हो, काम करो पहले, क्योंकि आप 18 साल के हो तो आपको काम करना चाहिए। 17 साल को किसी के अंडर में आप काम करोगे तो एक साल में खुद आपको पता चल जाएगा कि इसमें मेरी करियर है कि नहीं, आगे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये चीज़ आपको हो जाएगा। यानी कि अगर आप 18 से 21 23 साल तक हो तो आपको बहुत चीज़ पता चल जाएगा और आपको एक अच्छा लाइन मिल जाएगा। तो वो वीडियो अगर देख रहे हो इस एज के लोग तो आपको इस बिज़नेस को करना चाहिए और आपको अच्छा सक्सेस मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक के उम्र के हो तो आपको ये बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं, स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं। तो मैं यहाँ ये बात बोलूँगा एक बात कि आपको सोच समझ के इस लाइन में उतरना चाहिए, ट्रांसपोर्ट को बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप तो एक्चुअली है क्या कि इसमें टाइम की ज़रूरत है और आप टाइम ज़्यादा दे पाओगे नहीं। मुझे पता है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको पैसे से मतलब है और आपको पैसे आना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इस एज में जो है बहुत सारी जिम्मेवारी होती है हमारे ऊपर, घर की, और भी बहुत सारे चाप्स होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं है और हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे चाहिए। हम रुकना नहीं चाहते, हम ऐसा काम करें कि हमें पैसे आते रहें, आते रहें।
इस एज में जो होता है 26, 27, 28 जो है, एक्चुअली जरूरी आप कोई पढ़ाई तो नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग इसमें से जो है जॉब कर रहे होंगे, सुबह 10 बजे जाते होंगे तो शाम को 7 बजे 8 बजे तक आते होंगे, तो या तो उनके पास अच्छा सैलरी नहीं है, अच्छा सैलरी नहीं मिल रहा होगा, या उनको इंटेंशन नहीं है कि मैं अब जॉब करूँ, मैं अब बिजनेस करूँ, ठीक है। या तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये और भी वीडियो बहुत सारे देखे होंगे और इस चीज़ में अभी तक वीडियो देख रहे हैं, यानी कि वो अभी तक सक्सेस नहीं हुए, यानी कि अभी तक उनका कोई भी बिजनेस चला नहीं, इसलिए ये वीडियो को भी देख रहे हैं, वो कोई भी उनको एक लाइन नहीं मिला है कि इस लाइन को करने से मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, और अभी तक अगर सोच लो नहीं मिला ना, तो शायद आगे भी आप इसी तरह भटकते रहोगे, लेकिन भटकना नहीं चाहिए, मैं हूँ आपके साथ। तो आपको क्या है ना कि अब मैं बताता हूँ, एक्चुअली रियलिटी में बता देता हूँ तुम्हें कि अगर आप इस एज में हो 28, 29, 30 तो आपको ज़्यादा फोकस नहीं देना ट्रांसपोर्ट के काम में, क्योंकि इसमें अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपको पता है गाड़ी के बारे में, कंपनी है, इंडस्ट्री ले रही है, तब उस लाइन में जाओ। मान लो आपके पास यहाँ आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है, गाड़ी का आना है जाना है और आपको अच्छा खासा जान पहचान है, तो आप जल्दी जब उतरोगे ना तो ज़्यादा टाइम नहीं, 1 से 2 महीने के अंदर आप पक्के हो जाओगे इस लाइन में, और मतलब हो जाओगे एकदम कंफर्म है। अगर आप वही आपके पास कोई जीरो, हम यहाँ आए हैं क्या, वीडियो क्यों देख रहे हो कि जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ आपको थोड़ी मेहनत भी है ना यार, आपको लोकेशन भी होनी चाहिए, आप इस बिजनेस को सब जगह तो स्टार्ट नहीं कर सकते हो ना, जीरो बिजनेस है तो आपको एब्सोल्युटली जहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है वहीं स्टार्ट करना है। तो अगर आप यंग एज हो, आपके जैसे मैं हूँ, आप 18 से 23 साल का जैसे मैंने कहा उस एज में हो, तो आप ज़रूर इसमें टाइम दे पाओगे, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप आगे भी कर सकते हो, लेकिन इस एज में हमारे पास ज़्यादा टाइम है ही नहीं, हमें पैसा चाहिए, घर को चलाना है, बहुत सारा काम होता है, तो और बिज़नेस कोई हमारा चल नहीं रहा है, तो अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप इसमें उतर जाओ, इस बिज़नेस को कर सकते हो, अगर आप टाइम दे सकते हो, मुझे लगता है आप ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप आपको 1 से 2 महीने का टाइम देना चाहिए और उसी में आपको समझ जाना चाहिए कि हम ये बिज़नेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर नहीं कर पा रहे तो आपको दूसरा लाइन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें 1 से 2 साल टाइम नहीं दे सकते यार, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत बहुत सारे बिज़नेस को गैप करते आ रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप 1 से 2 साल करो, उसके बाद नहीं हो रहा है तो आप 1 से 2 महीने करो, उसके बाद नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट बिज़नेस को चेंज करो यार, क्योंकि नहीं हो पाएगा तुमसे। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।